11 12th पहले कर लीजिए, उसके बाद एक साल बाद तैयारी करिएगा। अरे कभी आपने इस एंगल से सोचा है कि आप कह क्या रहे हैं? आप 11 12th भी बच्चे को करने को बोल रहे हैं और उसे बोलते कॉम्पिटिशन की तैयारी मत करिए, मतलब आप 11 12th की फीस भी उससे लेंगे बच्चे से, और 2 साल में बच्चा क्रैक नहीं कर पाया कॉम्पिटिशन, उसके बाद बच्चे के कैरियर का 1 साल भी जाएगा, और फिर बच्चा जब बाहर तैयारी करने जाएगा तो वो फीस भी उसके पेरेंट्स को पे करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा कि मैं सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बहुत सोच समझ करके निर्णय लें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके लिए सही मार्गदर्शन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये तो मेरी अभिभावकों से अपील है कि वो जागरूक हों, काशीपुर के सभी अभिभावकों से मेरी अपील है कि वो जागरूक हों और इस चीज को बहुत सहजता से ना देखें। मेरा कहना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए कि आपको क्या निर्णय लेना है क्या निर्णय नहीं लेना है, तो बहुत खुले दिमाग से इस चीज़ को सोचिए। वहीं मैं दूसरा काशीपुर के कुछ शिक्षकों से भी अपील करना चाहता हूँ, कुछ नहीं सभी शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है उसको वही समझाएं, ना कि हम उसे अपने नजरिए से बताएं, ना कि हम उसे अपने फायदे के लिए बताएं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी पास करते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन भी इस तरीके की कि हमारे यहाँ से इतना बच्चे का ये नंबर आया, उस सब्जेक्ट में इतना नंबर आया, लेकिन पता चल रहा है कि अगर उसका सत्यापन की बात आ जाए तो वो उस पर 40% भी खड़े नहीं उतरेंगे। तो मेरा ऐसा उन सभी शिक्षकों से अपील है कि एक टीचर होने के नाते ये चीज़ हमारे दायरे में नहीं आती है कि हम किसी को मिसगाइड करें या फिर हम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करें स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो मेरा जो आज का पहल है सुरागी लाल के द्वारा जो मैं पहल कर रहा हूँ इस शहर के लिए, वो यही है कि मैं सभी शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, जो सही इन्फॉर्मेशन हो वही इन्फॉर्मेशन पास करें, और बच्चे के कैरियर के लिए जो सही हो उसको वही बताएं। थैंक यू।